परतवाड़ा के बालाजी संस्थान मंदिर में दीपावली के पावन पर्व पर भाई दूज के अवसर पर भव्य अन्नकूट का आयोजन किया गया था। इस अन्नकूट कार्यक्रम में हजारों समाज बंधु सहभागी हुए। बालाजी संस्थान यह शहर का प्राचीन मंदिर है जहां पर हनुमान जी की स्थापना की गई है, साथ ही 100 वर्षों पुरानी मूर्ति स्थापित की गई है। इस प्राचीन मंदिर में बालाजी संस्थान विश्वस्त मंडल द्वारा प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, जानकी, साथ ही माता पार्वती, श्री कृष्ण भगवान सहित श्री श्याम बाबा की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान किया गया है। यहाँ पर वर्ष भर विविध धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसी प्रकार सामूहिक होलिका दहन, सामूहिक गरबा महोत्सव सहित विविध आयोजन बालाजी संस्थान तथा राजस्थानी ब्राह्मण समाज की ओर से किए जाते हैं। बालाजी संस्थान के ऊपर आज जो भव्य दिव्य अन्नकूट का आयोजन हुआ है, इस मंदिर की स्थापना 1961 में हुई हुई है। पहले यहाँ बालाजी मंदिर था, राजस्थान में बालाजी मंदिर हनुमान जी मंदिर को बालाजी मंदिर किया जाता था। उसके बाद में 2007 में इसका प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई है। तो यहाँ श्याम बाबा, शिव पंचायत, राम लक्ष्मण जानकी, राधा कृष्ण और श्याम बाबा का प्राण प्रतिष्ठा हुई भी है। और हर साल दिवाली के दूसरे दिन यहाँ अन्नकूट प्रसादी का प्रोग्राम होता है। तो सर्व जातीय प्रांतीय यहाँ पर भोजन प्रसादी लेने के लिए उपस्थित होते हैं। संस्थान के अंदर विविध आयोजन होते हैं, विविध धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर अन्नकूट का आयोजन किया गया और क्या क्या यहाँ पर विविध आयोजन होते हैं? यहाँ पे हर वर्ष बालाजी महाराज का अन्नकूट होता है और होली का कार्यक्रम होता है और गणगौर का कार्यक्रम होता है। सारे सामाजिक कार्य होते हैं, सांस्कृतिक कार्य होते हैं, हर समाज का होता है और हमको वो जगह कम पड़ती है, इसलिए हमने सरकार से दरखास्त की है कि ये जगह बालाजी कुटिया मंदिर संस्थान को दान में दी जाए। ऐसा हमारे अभी मुंबई केस चालू है और हमारी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि भाई ये जगह ये बालाजी कुटिया मंदिर को दी जाए। बालाजी कुटिया संस्थान में विगत कई वर्षों से अन्नकूट की परंपरा शुरू है। दीपावली के बाद में ये अन्नकूट का आयोजन होता है और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं? मैं बालाजी संस्थान परतवाड़ा की तरफ से सभी नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। अपन जहां जिस पटांगन पर अभी आप लोगों को भोजन करते हुए देख रहे हैं, ये प्रसादी का अन्नकूट का कार्यक्रम है। करीबन 2500 से 3000 लोगों का अन्नकूट का कार्यक्रम होता है, ये दिवाली के बाद होता है। इस जगह पर सार्वजनिक कार्यक्रम 12 महीने होते हैं। जगह बालाजी संस्थान को कम पड़ने से जगह कम पड़ रही है, इसलिए शासन से हमने इस जगह की डिमांड की है। और यह जगह पर हम जन्माष्टमी का कार्यक्रम, दुर्गा देवी का कार्यक्रम और समाज के लोगों को, जो भी आसपास के जितने भी लोगों को, नागरिकों को, जो भी सार्वजनिक कोई काम करने का होगा, इस जगह पर हम उपलब्ध करके देते हैं। और इसमें सभी लोगों का सहयोग है, सभी नागरिकों के सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। और अन्नपूर्णा देवी यहाँ पर बहुत प्रसन्न है। और ये जो बालाजी संस्थान का मंदिर है, ये हनुमान जी 125 साल पुराने हनुमान जी का मंदिर है और जिसका अभी जीर्णोद्धार हमने किया है। और ये जिस जगह पर अपन खड़े हैं उस जगह पर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 2500 से 3000 लोगों के कार्यक्रम होते हैं और 12 ही महीने यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। बालाजी संस्थान के समीप जमीन यह बालाजी संस्थान के ही ताबे में है। विगत कई वर्षों से वहाँ पर विविध धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक कार्य किए जाते हैं। यह जमीन शासन से बालाजी संस्थान को दिए जाने की मांग की गई है। यह मामला अभी न्याय प्रविष्ट है, फिर भी समाज बंधुओं द्वारा बढ़ते बालाजी संस्थान के बढ़ते कदम और बढ़ती बुलंदियों पर जाने के लिए आने वाले समय में यह जमीन संस्थान को मिलेगी तो संस्थान का और भी ज़्यादा विकास होगा, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम और भी बढ़ेंगे, इस प्रकार की प्रतिक्रिया समाज बंधुओं द्वारा दी गई है। मैं नितेश किलेदार, सिटी न्यूज़, परतवाड़ा। परतवाड़ा के
हृदय स्थल में बसे बालाजी संस्थान मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर की परंपरा है। विशेष बात यह है कि यहाँ पर 100 साल से ज़्यादा हनुमान जी के यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान हुई है। भव्य दिव्य इस मंदिर के अंदर आज दीपावली के पावन पर्व पर अन्नकूट का सार्वजनिक कार्यक्रम यहाँ पर समाज बंधुओं की ओर से आयोजित किया गया है। उल्लेखनीय बात है कि बालाजी संस्थान के ही समीप जो जमीन है वो बालाजी संस्थान को दी जाए। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि पूरे धार्मिक अनुष्ठान बालाजी संस्थान के द्वारा वहीं पर ही आयोजित किए जाते हैं। वर्ष भर महिलाओं के और अलग अलग यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक त्यौहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। इसलिए यह मंदिर को लगकर जो खाली जमीन है वह शासन हमें दे, बालाजी संस्थान उसका पूरी रूप से उसका देखरेख करेगा और उसका विकास करेगा, इसी यहाँ पर मांग यहाँ के समाज बंधुओं द्वारा की गई है। मैं कैमरामैन मोनी के साथ नितेश किलेदार, सिटी न्यूज़ पर आता हूँ।